आप यहाँ हैं? क्या मतलब इस बात का? अब मैं क्या करूँगा? क्या? मुझे भूख लगी है। टेबल पर रखा है खाना, उठाकर खा लो कुछ भी। उमर कर क्या रहा है आखिर? ये इतना सारा खाना कहाँ लेकर जा रहा है? उमर खाना यहीं पर खाओ। हेलो आयशा। मरियम कहाँ हो तुम? बच्चों के बारे में कुछ पता चला? ताकिन के पास जा रही हूँ। क्यों? बच्चे वहाँ पर हैं क्या? बताओ ना मरियम, बच्चे मिल गए हैं क्या? बदकिस्मती से अभी तक नहीं ढूंढ पाई हूँ। या अल्लाह। लेकिन जैसे ही मिल जाते हैं ताकिन दोबारा उन्हें अपने पास ही रख लेगा आयशा। क्या वाकई? मतलब उसने अपना इरादा कैसे बदल लिया मरियम? वो भी अचानक? क्योंकि मैं उसके पास जॉब करने के लिए राजी हो गई हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा मरियम? क्या अब तुम उसके साथ काम करोगी? और क्या करती? बच्चों को बचाने के लिए इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं था। ठीक है मेरी जान, अच्छा किया तुमने। लेकिन वो तो पहले ही तुम्हारे पीछे पागल है। मरियम तुम ये सब कुछ कैसे हैंडल करोगी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं जानती, मुझे भी बहुत परेशान किया है, लेकिन ये मामला बच्चों का है। बच्चे एक बार उन माफिया के लोगों से बच जाए बस, उसके बाद ही मैं कुछ सोचूंगी। ठीक है मरियम, जैसे ही कुछ पता चलता है मुझे फौरन बताना। या अल्लाह, उस घटिया इंसान के साथ काम करना पता नहीं कैसे बर्दाश्त करेगी। ओह, आयशा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तुम तो मुझे परेशान लग रही हो, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? नहीं, खाना तो जबरदस्त था, मगर मेरा खाने का मूड नहीं था। लंच में मेरे बगैर जाओगी तो यूं तो होगा ना। मुझे एक पेस्ट्री शॉप का पता है जो कि बहुत ही जबरदस्त है। यकीन करें मुझे भी पसंद है। ठीक है, हम फौरन पहले से ही जाएंगे, जैसे ही हमें बच्चों को पता चल जाएगा। भाग गए शायद। आपको बच्चों के बारे में किसने बताया? लेवेंड ने बताया मुझे। इन्हीं बच्चों के लिए रिहाइश ढूंढ रही थी ना तुम? इंशाल्लाह बच्चे जल्द ही मिल जाएंगे। आयशा दरअसल बात यह है कि माफिया वाले बच्चों को ले जाते हैं, इतने छोटे बच्चों से काम कराने की क्या तुक बनती है। वैसे ताकीन ने अपना इरादा बदल दिया है, वो बच्चों को नहीं बेच रहा। वाकई में? कैसे? ये तो मुझे नहीं मालूम। ऐसा करते हैं अंदर चलकर बैठते हैं, तुम सारी बातें यहीं खड़े होकर कर लोगी। मरियम जॉब करने किसके पास जा रही है बता देना चाहिए, हो सकता है मिस्टर लेवन कोई मदद कर दे। मैं खाना लेकर आ गया। उमर हम परेशान हो गए थे, तुम कहाँ गए थे? ये भी खा लो। भूख से तो जान निकली जा रही थी। वाओ, चीज भी लेकर आए हो, लेकिन ब्रेड नहीं है। भूल गया। उमर ये हमारे लिए काफी है। पहले ये खाओ, फिर मैं तुम्हें घर के अंदर छुपा दूंगा। पेस्ट्री बहुत मजे की है उमर। तुम खाओ, मैं अभी आता हूँ। ये लगा के खाओ, ज्यादा मजे की है। मुझे भी खाना है।
मैं भी खाऊंगा। उमर को क्या हो गया है आज? एस्ली, उमर को देखा तुमने? वो अपने कमरे में नहीं है। जी बिल्कुल। क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा लेमन सर। उमर अभी थोड़ी देर पहले खाने से अपनी पॉकेट भरकर बाहर ले जाकर पता नहीं अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है कब से। ठीक है, मैं देखता हूँ। दोस्तों, अब मेरी बात सुनो। मैंने वहां छुपने की जगह देखी है। हमें तुम क्या वहां छुपाओगे? शुक्रिया उमर। चामुर, हम ध्यान से जाएंगे इधर उधर देखते हुए। उन खबीसों को ढूंढने के चक्कर में मेरी तो टांगे दुख रही हैं। उफ, हाय अल्लाह। हाय, ये लोग तो यहाँ आ गए। या अल्लाह, क्या काम है आपको, बताइए। ताकिन है क्या? इस वक्त तो नहीं है। कहाँ है वो? हम उसके साथ डील करने के लिए आए हैं। मैं नहीं जानती, यानी शायद आए, हो सकता है ना भी आए। यही आएगा, आखिर जाएगा कहाँ? मिल के ही जाएंगे। ये तो बच्चों को लेने के लिए यहाँ तक आ गए हैं। शुक्र है कि बच्चे यहाँ पर नहीं हैं। अरे यार, हाँ बोले। कहाँ हो तुम? जहाँ बच्चे रहते थे वहीं हूँ। तुम्हें फौरन यहाँ आना होगा। जब तक के बच्चे नहीं मिल जाते हैं, नहीं आ सकती हूँ मैं। बच्चों के लिए ही बुला रहा हूँ, वो यहीं हैं। क्या? क्या वाकई में? हाँ, तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ ठीक है, ठीक है, बस मैं आ रही हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? फूफो को इन लोगों के साथ अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? हेलो, मुझे कुछ बताना है। आपने पुलिस को बता दिया? लेविन भाई, इन लोगों ने कुछ नहीं किया।
मैं जानता हूँ, मैंने नहीं बुलाया पुलिस को, तुम्हारी आपा को बुलाया है। बच्चों तुम परेशान मत हो, तुम लोग यहाँ महफूज हो। अल्लाह का तेरा शुक्र है। अब जिनको भूख लगी है वो हाथ खड़ा करें। मुझे भी लगी है, मुझे सबसे ज्यादा। तो फिर चलो। यासिर जी सर बोले, कहीं चलना है क्या? लेवेंट, क्या हुआ बेटा? हमारे घर बहुत अहम मेहमान आए हैं अम्मी, मुझे भी सरप्राइज दिया है। अगर आपकी इजाजत हो तो यासिर से बात करके आपको सब बताता हूँ। बच्चों के खाने के लिए चीजें लानी है, जैसा कि कबाब बनाने का सामान वगैरह। तुम लोगों को कबाब पसंद जी है ना? पसंद है। हाँ, मुझे बहुत पसंद है जी, पसंद है। और हाँ, इन सब के लिए नए कपड़े भी लेकर आओ, इन्हें चेंज करवा देते हैं। और अगर चाहो तो एसली को साथ ले जाओ अपने। ये क्या हो रहा है, समझ तो मुझे भी नहीं आ रही। मुझे लगता है ये सब उमर के दोस्त हैं, जो भी हो, मगर मुझे इनके आने की बहुत खुशी है। मैं यहाँ, मैं इधर हूँ। अरे मुझे पकड़ो, यहाँ देखो मुझे पकड़ो, यहाँ पर, मैं इधर हूँ। उमर को पकड़ो। उमर, नहीं मुझे नहीं लगा। इन बच्चों से तो घर में रौनक हो गई है। बिल्कुल, जब इंसान अपने बच्चों को देखता है ना तो बहुत से गम भुला देता है। यकीन करो, इन बच्चों की आवाज से मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। और देखो उमर भी कितना खुश है। जी हाँ अम्मी, कैसे खुश नहीं होगा, बहुत दिनों बाद मिला है दोस्तों से। मुझे खुशी है उमर को हम घर ले आए और अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। उमर इन बच्चों से बहुत मुख्तलिफ है, अब खुद देखो अपने दोस्तों की मदद करने के लिए क्या क्या कर रहा है। मुस्तकबिल में एक बहुत अच्छा इंसान बनेगा ये। अगर आज इफी जिंदा होता तो इसके बराबर ही होता। लेवेंट प्लीज मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं अम्मी जान। जी हाँ, दोनों हम उम्र होते और शायद दिखने में भी ऐसा ही होता, वही बालों का रंग, वही आंखों का रंग भी। मेलिस कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। आप आज जल्दी घर आ गए, क्या आपा के साथ कुछ हुआ है? क्या मतलब कुछ हुआ है? मतलब क्या कोई अच्छी खबर है आपा के हवाले से? कहीं मेरी आपा ने फिर से बोलना तो शुरू नहीं कर दिया भाई? मेलिस काश तुम्हारी बात सच होती। हाय अल्लाह, मुझे लगा आप कोई अच्छी खबर सुनकर घर आए हैं। दरअसल घर पर अकेले वो बोर हो जाती है, मैंने सोचा किताब पढ़कर उसको सुना दूंगा। वैसे तुम कहाँ से आ रही हो? तूफान साहब के साथ मेरी एक मीटिंग थी। हाँ, वाकई? वो तो किसी को अपॉइंटमेंट नहीं देता। तो किसी को अपॉइंटमेंट लेना नहीं आता होगा, मुझे उन्होंने खुद कॉल की, सेक्रेटरी से नहीं करवाई, तो मैंने सोचा मिल लेते हैं। अच्छा रिस्पॉन्स रहा, अगर वो हमारे साथ बिजनेस करने पर तैयार हो जाते हैं तो हमारी कंपनी के लिए अच्छा रहेगा, मगर अभी कुछ कह नहीं सकते, कुछ हफ्तों तक पता चल जाएगा। बहुत अच्छा किया तुमने, ये मुलाकात कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। ये क्या, घर तो आज पार्क बना हुआ है भाई। मुझे भी नहीं पता, चलो देखते हैं। आप चलें, मैं आता हूं। यासिर,
ये मैं देखता हूँ, तुम बाकी चीजें संभालो। जी लेवेंट साहब। मुझे पकड़ो। लेवन, ये बच्चे कौन है? ये सब उमर के दोस्त हैं भाई, ये बच्चे हमारे मेहमान हैं। अच्छा है। माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे हैं। हाँ, तो मैं पकड़ लिया। को पकड़ लिया। है ना मालिस? बहुत ही प्यारे हैं माशाल्लाह। उमर भी बहुत खुश है। तुमने अच्छा किया लेवेंट। इन्हें देखो, अब उमर के साथ साथ इन्हें भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन जल्द ही मैं तुम सबसे पीछा छुड़ा लूंगी। कब आएगा ताकिन? मैं नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं बताते। वो देखें, आ गए ताकिन भाई। हाँ, अब देखना तुम्हारा क्या आश्चर्य करते हैं गली के छोटे गुंडे। क्या हुआ? तो तुम कहाँ थी? वैसे इस हुजूम में तुम्हारी ही कमी थी। उमर ने सारे मोहल्ले के बच्चों को जमा कर लिया है। वैसे जिसको देखो मुंह उठाकर यहाँ चला आता है। हेलो मरियम, आवाज आ रही है? हेलो पुप्पू। हाँ, एक काम करो कि अपनी पप्पो को भी बुला लो तुम, बस उन्हीं की कमी है। पुप्पू एक मिनट, मैं बात कर लूँ इनसे। बताएं कैसी हैं आप? उन्होंने कुछ कहा तो नहीं आपसे? आप ठीक है ना? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ताकिन भाई आ गए, कोई मसला नहीं हुआ। ये पुलिस सायरन क्यों? हाय, पुलिस आ गई है। मैं रखती हूँ फोन। ठीक है, फिर मिलते हैं। उफ, शुक्र है या अल्लाह। धोखा दिया है तुमने। मैं क्यों धोखा दूंगा, ऐसा आदमी नहीं हूँ मैं। देखा इसने क्या किया, चलो यहाँ से। ऐसा ना हो कि पुलिस आ जाए। तुम लोग मुझे क्यों नहीं दे रहे? मुझे भी दो। ये लो मिनी, मेरी तरफ। सीधा तो मेरी तरफ बॉल फेंको। मेरी तरफ फेंको, मेरी तरफ दो। कितना मजा आ रहा है। यासिर मुझे एक प्लेट दे दो। ये सब कुछ तैयार हो गया है। शुक्रिया यासिर। चाहिए? नहीं शुक्रिया। थक गए होगे ना तुम? थकने वाली क्या बात है, मुझे बारबेक्यू बनाना पसंद है। ठीक है। अम्मी जान, काफी अरसे से मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन हुरिया की तबीयत खराब होने की वजह से बता नहीं सका आपको। हाँ बेटा कहो, क्या बात है? लेवेंट और मेलिस दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। पता नहीं बहादुर, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा इनके बारे में।
मगर तुम्हें ये ख्याल कहां से आ गया? पता नहीं, बस मुझे लगता है कि एक बेहतरीन कपल होगा, और क्यों नहीं हो सकता। एक दूसरे को काफी अरसे से जानते हैं, एक दूसरे को समझते भी हैं, और क्या चाहिए। वाकई में? हाँ मेजान, मेरी नजर से देखें आपको भी दिखाई देगा। चोट तो नहीं लगी बेटा? कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं, मुझे इतनी जल्दी चोट नहीं लगती। आपा, आप भी आए ना, हमारे साथ खेले ना। मैं खेलूं? जी हाँ। मुझे लेवेंट भाई को भी बुलाने दो, मिलके खेलेंगे हम। लेवेंट, बच्चे हमारे साथ खेलना चाहते हैं। नहीं, तुम लोग खेलो। लेवेंट भाई हमारे साथ खेले ना। लेवेंट भाई आप भी हमारे साथ खेले ना। मिलकर खेलते हैं ना। हाँ, बहुत मजा आएगा, आ जाएं। ठीक है, मैं आता हूँ। यासिर, ये सब तुम संभालो। चलो इस तरफ आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। तो रेडी हो? जी हाँ। मेलिस। लेवेंट, उमर, स्टॉप, ऑरेंज, मेरे पास है। मेरे पास नहीं है। यहाँ से पकड़ लो। ऐसा है क्या? अच्छा, ये लो। दुकान, बच्चों के बारे में कुछ मालूमात मिली तुम्हें? नहीं, लगता है उन्हें जमीन निगल गई। हर जगह ढूंढ चुका हूं उन्हें मैं। मैंने भी ढूंढ ढूंढ कर उन्हें अपने पांव थका दिए। यहाँ की हर गली में घुमा हूं मैं, लेकिन कहीं नहीं मिले। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। जल्दी ढूंढना होगा उन्हें। मरियम ताकि इनके पास जॉब करने के लिए राजी है। जितना जल्दी ढूंढ लो बेहतर है। मरियम राजी कैसे हो गई? तो क्या तुम्हें नहीं पता, मरियम ने ताकिन भाई से वादा किया है, अगर वो बच्चों को ढूंढ ले और उन्हें कहीं ना जाने दे तो वो उन्हीं के पास जॉब करेगी। क्या वाकई? हाँ हाँ, वाकई में भाई। ये तो अच्छा हुआ। चलो जल्दी बच्चों को ढूंढते हैं, हर जगह जाकर उनके बारे में पूछते हैं, कहीं ना कहीं तो जरूर मिल जाएंगे। रुको जरा, नेहरू की कॉल है। हाँ हेलो, दुकान जल्दी आओ। अरे क्या हो गया नेहरू, बताओ मुझे। ताकिन भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई, बस तुम जल्दी आओ। क्या? रुको रुको रुको, जरा पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ, मैं भी आता हूँ। ताकि इन भाई को पुलिस पकड़ कर ली गई है धर्मोश, मैं चलता हूँ। चलो आ जाओ, अपनी अपनी प्लेट्स लेकर आओ। अपनी प्लेटें उठा लो, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। मुझे भी। तुम लोगों ने ऐसे लाइन क्यों बना ली? निर्माण अम्मा हमेशा लाइन पे खड़ा कर हमें खाना देती थी। वो सब कुछ अब भूल जाओ तुम। बहुत अच्छी खुशबू है। इंशाल्लाह पसंद आएगा। ये लो बच्चों, इसको कबाब पे डाल के खाओ।
मरियम अपने लिए खाना निकाल लो, भूख नहीं है। मगर मरियम बारबेक्यू की खुशबू से ही ना भूख लग जाती है, चलो शुरू करो। एक मिनट रुकिए, जला हुआ है। तुम ये खाओ। थैंक यू सो मच। कबाब नहीं लोगी तुम? क्यों नहीं, जरूर लूंगी। बहुत शुक्रिया। आराम से खाओ। मरियम एक गिलास ठंडा पानी ला दोगी प्लीज? अभी लाती हूँ। मरियम बैठ जाओ। लेकिन प्लीज बैठ जाओ मरियम, तुम अब यहां पर काम नहीं करती। मैलिस अपने लिए पानी तुम खुद ले आओ। माफी चाहती हूं, मैं भूल ही गई थी कि मरियम यहां काम नहीं करती। मैंने तो आज बारबेक्यू बहुत एंजॉय किया। मैं जरा हुरिया को जाकर देखता हूँ। असली प्लेट्स मैं उठा लेती हूँ। नहीं मरियम, तुम तो मेहमान हो। कोई बात नहीं मैम, इस वक्त आपा भी नहीं है तो अकेले ही कितना काम करेगी, मैं साथ दे देती हूँ। ठीक है बेटा मरियम, जैसे तुम्हारा दिल करे। लेवेंट, तुम्हारे लिए कॉफी बना दूं? नहीं बहुत शुक्रिया। हेलो, बच्चे बिल्कुल ठीक हैं? हाँ वो भाग जरूर गए थे, लेकिन अब वो मिल गए हैं और यहाँ आ गए हैं। एक मिनट रुकना। बच्चे मिल गए हैं तो इसका मतलब है कि अब तुम्हें ताकिन के साथ काम करने की जरूरत नहीं है। अब उस वादे की कोई अहमियत नहीं रही। वाकई में क्या होगा अगर उसने बच्चों का बहाना बनाकर दोबारा कुछ किया तो क्या करूँगी मैं? अगर बच्चे महफूज रहे तो वो कुछ नहीं कर सकेगा, मेरा यकीन करो। इंशाल्लाह आयशा इंशाल्लाह। मैं आता। आ, आ, क्या हुआ? पता नहीं, लगता है पाँव में मोच आ गई है। सूजन तो नहीं है? पता नहीं, तुम देखो। ठीक है आयशा, फिर मिलते हैं। या अल्लाह, न जाने कब इसकी जिंदगी में सुकून आएगा। एक मसला खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। उफ, किसी तरह इसकी जान छूट जाए ताकिन से। आयशा क्या हुआ? कुछ नहीं मिस्टर जमील। आयशा तुम अभी फोन पर किसी से बात कर रही थी, कोई बुरी खबर है क्या? मैं इन्हें नहीं बता सकती, हरगिज नहीं। मरियम को नाराज नहीं कर सकती। आयशा बताओ तो सही, क्या हुआ बताओ मुझे। मैं मरियम से बात कर रही थी, वो बता रही थी बच्चे मिल गए हैं। ये तो अच्छी खबर है, यानी तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वो नहीं नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, बस मेरे सर में दर्द है। समझ गया, ठीक है आयशा तुम घर जाकर आराम करो, वैसे भी ज्यादा काम नहीं है। नहीं मैं अपने टाइम पर चली जाऊंगी मिस्टर जमील, दर्द ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, अगर तुम्हें बॉस इजाजत दे दें तो जाना चाहिए, ठीक है? तुम्हारी जगह मैं होता तो चला जाता। ठीक है ठीक है।
आपका बहुत शुक्रिया मिस्टर जमील। कोई बात नहीं, आज तुम्हें आराम करना है और कल फ्रेश होकर ऑफिस आना है, ठीक है? ठीक है, अल्लाह हाफिज। तुम अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज। ये लड़की कितनी जिम्मेदार है, क्या बात है इसकी। ये बहुत प्यारे बच्चे हैं। वाकई बहुत ही प्यारे। अगर इन्होंने किसी अच्छी जगह परवरिश पाई होती तो आज ये बच्चे बहुत ही मुख्तलिफ होते। क्या कहूँ, बदकिस्मती है हमारी। जी हाँ, बच्चे सभी मासूम होते हैं अम्मी। ये बच्चे बुरे नहीं हैं, बुरे इनके हालात हैं। बिल्कुल मेरे बेटे, मैं इन बच्चों के बारे में सोच रही थी। हमें इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें क्या करना चाहिए? वैसे तो कोई ऐसा यतीम खाना जहाँ ये बच्चे तालीम हासिल कर सकें। हाँ, अच्छा हुआ मरियम तुम आ गई, मैं तुम्हें बुलवाने वाली थी। तुम भी यहीं बैठो, हमने कुछ बात करनी है तुमसे। जी जरूर। बहुत शुक्रिया। जीती रहो, एंजॉय करें। लेविन, तुम बच्चों की पढ़ाई के बारे में कुछ कह रहे थे। जी हाँ, ये बच्चे आपस में अच्छे दोस्त हैं, मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ रहे हैं। इनको अलग करना ठीक नहीं होगा, यतीम खाने में ये एक दूसरे के साथ रहेंगे और बेहतरीन तालीम भी हासिल कर सकेंगे। मेरे ख्याल में तो यही बेहतर है। और इन बच्चों की तालीम का खर्चा हमारी एसोसिएशन भी उठा सकती है। ये बहुत अच्छा आइडिया है अम्मी। अच्छा तो है, लेकिन वो लोग जो इन बच्चों को खरीदना चाहते हैं, कहीं आपके लिए कोई मसला ना बनाए। तुम इस बारे में बिल्कुल भी परेशान मत हो, वो किसी भी तरह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बेफिक्र रहो तुम। ये बच्चे अपनी पूरी जिंदगी बेघर रहे हैं, इन्होंने अपनी उम्र से ज्यादा मुश्किलात का सामना किया है। मुझे बहुत खुशी है कि अब से ये बच्चे महफूज रहेंगे। हर चीज के लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं बेटी, ये तो हमारा फर्ज है। इंशाल्लाह ये सब बच्चे बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। इंशाल्लाह। ठीक है फिर, मैं इस पर काम शुरू करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। हो सकता है कि इस सब में तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े मुझे, बच्चे तुम पर भरोसा करते हैं। बिल्कुल, मैं जरूर मदद करूंगी। मेरा पांव। तुम ठीक हो? बहुत ज्यादा दर्द है, लगता है फ्रैक्चर हो गया है। मेलिस, तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं चली जाती? नहीं नहीं, खुद ही ठीक हो जाएगा। अगर रात तक ठीक ना हुआ तो सुबह चली जाऊंगी। लेवेंट, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, मैं जरा बच्चों को देख लेती हूँ। ठीक है मरियम। बहुत शुक्रिया। तुम सब मुझे बहुत प्यारे हो। अब उसके बाद मेरी बारी है, मैं खेलूंगा। तुम सब कितने मासूम और दिल के साफ हो, तुम्हें कैसे अकेले यतीम खाने में छोड़ूंगी, उम्र भी उदास हो जाएगा। मैं जानता हूं कि तुम उदास हो, इनके जाने से मैं भी उदास हूं, हालांकि इनसे मिले कुछ ही देर हुई है। मेरा उदास होना अहम नहीं है, हमें वो ही करना चाहिए जो इनके लिए बेहतर है। इनकी जिंदगी बन जाएगी, वहां पर महफूज रहेंगे। लेकिन हम इनके लिए और बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा कि इनके लिए किताबें, इनके यूनिफॉर्म, इनके शूज, ट्रैक सूट्स, सब कुछ खरीदते हैं। टॉयज भी ले सकते हैं इनके लिए, बल्कि टॉयज के बजाय किताबें ही सही रहेंगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया है। चलो शॉपिंग करते हैं, जो नया मॉल खुला है वहाँ बच्चों की चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। चलो वहाँ से शॉपिंग कर लेंगे, मैं भी बच्चों के लिए कुछ खरीद लूँगी। पाँव में चोट लगी है तुम्हारे मेलिस, तुम कैसे आओगी? देखो अब तो मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। जिद नहीं करो तुम, और
वैसे भी मरियम इन बच्चों को ज्यादा बेहतर जानती है। लेकिन क्या मरियम को यहाँ नहीं रुकना चाहिए? कुछ ही देर में बच्चे यहाँ से चले जाएंगे, है ना मरियम? तो चले। कैसी हो सीमा? देखो सीमा, ये बच्चे बहुत प्यारे हैं और मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुमसे पर्सनली कह रही हूँ। ठीक है, मैं खुद भी तुम्हारी फाउंडेशन का जल्द चक्कर लगाऊंगी। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखना। उल्विया आंटी, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। मगर मेलिस, तुम्हारे पाँव में तो मोच आई है, जो भी चाहिए मुझे बता दो। नहीं, अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हमें बच्चों के लिए कुछ चीजें लेनी है। जैसे तुम्हारी मर्जी। शुक्रिया, ये इतने मासूम है कि मुझे इन बच्चों से फौरन प्यार हो गया। मैं चाहती हूँ कि मैं भी इनके लिए कुछ कर सकूँ। हम चलते हैं, इजाजत दीजिए अम्मी जान। अल्लाह हाफिज बेटा। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? मेलिस इन बच्चों के लिए शॉपिंग करना चाहती है। अच्छा, देखा ना अम्मी कितनी समझदार है। हाँ, अच्छी सोच की मालिक है। इस वजह से मेलिस ने बहुत नुकसान उठाए। क्या मतलब? बचपन से ही मेलिस लेवेंट से प्यार करती है और हमेशा वो इसी इंतजार में रहती है कि लेवेंट भी उसे प्यार करेगा, मगर लेवेंट को परवाह नहीं। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, अमेरिका क्यों गई थी वो? मेलिस लेवेंट के लिए अमेरिका गई थी? बिल्कुल, लेवेंट से बेपनाह प्यार ही उसकी वजह थी। राना से लेवेंट की शादी के बाद वो डिप्रेशन में रही। मुझे नहीं मालूम था। तुम्हारा मतलब लेवेंट को पसंद करती है मेलिस? इसकी जगह कोई और होता तो लेवेंट की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता। ठीक कह रही हैं अम्मी। बेटा, जैसे तुमने जिक्र किया, मुझे लगता है लेवेंट के लिए मेलिस से बेहतर और कोई नहीं हो सकती। ऐसा ही है। काश लेवेंट को भी एहसास हो जाए। जरूर होगा इंशाल्लाह। मेरे पास नहीं। यहाँ से पकड़ लो। ऐसा है क्या? अच्छा, ये लेवेंट के लिए मेलिस से बेहतर और कोई नहीं हो सकती। मेरा क्या ताल्लुक? ठीक ही तो है, लेवेंट सर के लिए मेलिस से ज्यादा बेहतर कोई नहीं हो सकता है। आयशा? मैं ही हूँ अम्मी। अल्लाह करे खैरियत हो। आप क्या कर रही हैं? मैं कमरा साफ कर रही हूँ बेटा। क्या हुआ, तुम कैसे जल्दी घर आ गई? असल में ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था तो मिस्टर जमील ने मुझे घर भेज दिया। मेरे बॉस है ना मिस्टर जमील, मैं उन्हीं मिस्टर जमील की बात कर रही हूँ। ओह अच्छा, काफी गर्मी हो रही है ना, मैं मुंह धोकर आती हूँ। गीता ये देखो जरा, ये खिलौने तो वैसे ही हैं जो हम मार्केट में देखते थे। हाँ, और ये खिलौना खरीदने के लिए हम कभी पैसे जमा नहीं कर पाए। ये खिलौने तुम लोगों के हैं, मजे करो अब। आपका बहुत शुक्रिया मेले साबा। कोई बात नहीं मेरी जान।
ये बहुत अच्छा है। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो ये तुम रख लो, लेकिन इसके लिए तुम्हें बड़ा होना पड़ेगा। नहीं, मेरे पास बहुत कपड़े हैं, ये वाला तुम रख लो। शुक्रिया उमर। ये क्या लाए हो तुम? अपने दोस्तों के साथ बैठो ना बेटा। दिल नहीं कर रहा। लेकिन क्यों? क्या हो गया है आपको मेरी जान? क्यों कि अम्मी की फोटो में वहीं भूल आई हूँ, और मेरे पास और कोई फोटो भी नहीं। परेशान बिल्कुल नहीं हो, ठीक है? मैं अभी जाकर पिक्चर ले आती हूँ। सच्ची में आप जाएंगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब जाओ और बाकी बच्चों के साथ खेलो। आपका शुक्रिया। मरियम, कहाँ जा रही हो? मुझे वापस जाना होगा। क्यों? गूंगी ने अम्मी की पिक्चर वहां भुलाई है, वो लेने के लिए जाना होगा। तो वो इसी वजह से परेशान थी? जी हाँ। उसके अलावा और कोई पिक्चर नहीं है? नहीं, वाहिद वो फोटो ही इसकी अम्मी की निशानी है। इसके पास हमेशा उसे अपने पास ही रखती है, अपनी अम्मी की याद में उस फोटो को ही गले से लगा लेती है। वो लेकर ही आनी होगी। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं सर, आपको आने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस और टैक्सी के इंतजार में खड़े होने की क्या जरूरत है, जब मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। लेकिन मुझे बस और टैक्सी की आदत है सर। आपका शुक्रिया।